जबलपुर के सदर इलाके में स्थित मालिक कंपाउंड में रहने वाले एक परिवार के मकान में आग लगी। आग लगने के बाद गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि इस अग्नि हादसे में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। आग की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। इस घटना में तकरीबन लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने की वजह से पीड़ित परिवार काफी दहशत में। सदर में हमको फायर की तरफ से सूचना मिला, हमने मौके पर आ गए। मौके पर आकर के आप पर काबू पाए और पूरा जल गया मकान के सब सामान सब। कितनी गाड़ियां लगी फायर करने? तीन गाड़ी लगी है और कैंट के गाड़ी अलग आया है। आग पर काबू पा लिया है? आग पर काबू पा लिया गया। कितने का नुकसान बताया जा रहा है? नुकसान पूरे मकान में सामान सब गिरी, सब जल गया है। आपका नाम? हमारा नाम राजेश सिंह हुआ, गाड़ी संघर्ष। इस सदर कैंट है, जी क्वेश्चन कंपाउंड है, जी क्वेश्चन कंपाउंड सदर कैंट, जी क्वेश्चन का मलिक कंपाउंड भी लगता ही है। मैं सो रही थी नीचे कमरे में, मेरी मम्मी बोली देखो धुआं कैसे उठ रहा है, तो देखो तो बहुत भयंकर अलग थी, ऐसा दम निकल गया। हम तो चिक चिक फिर फोन मोहल्ला इकट्ठा करे, पूरा मोहल्ला थाने फोन लगा, इसको फोन लगा, उसको फोन लगाए, बहुत कफ कैसे सर ऐसे ऊपर से लपट लगी थी, नहीं लपट निकली थी, पूरे कांपने लगे थे, पूरा यहाँ चीख जाके पीछे चीखे, पूरा मोहल्ला चिक चिक इकट्ठा करे सबको। हाँ भैया रिहाना।